डॉक्टर नवेद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज। आज मैं जिस हस्ती से आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। खासतौर पे यहाँ के जो मिजारी फैमिली है वो बहुत बड़ी फैमिली है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये जो लोग हैं खासतौर पे सरदार साहब, सरदार एहसानुर्रहमान साहब मिजारी साहब, जो कि NA 197 कश्मोर से MNA भी हैं, और इससे पिछला जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था वो था NA 210 से कश्मोर से, और माशाल्लाह ये दो दफा MNA जो है ना यहाँ से मुकर्रर हो गए हैं, और छोटी सी उम्र में जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान से जो है ना इनका तल्लक है, और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं, खासतौर पर जब से PTI की हुकूमत आई है एक तूफान सफर है महंगाई के हवाले से, ये क्या कहते हैं। खासतौर पर ये पार्लियामेंट हाउस में जितने भी इजलास होते हैं ये सारे अटेंड करते हैं इस हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सरदार एहसानुर्रहमान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। सर सबसे पहले तो हम लेंगे इस वक्त जो सबसे बड़ा मेन इशू चल रहा है वो है सर महंगाई का। महंगाई का तनासब सर इतना ज्यादा हो गया कि गरीब आवाम के लिए दो वक्त की रोटी खाना भी मुयसर हो गई है, खासतौर पर जब से ये PTI की हुकूमत आई है, चौथा साल मुसलसल इनको छा रहा है। वादे तो खान साहब ने बहुत सारे किए थे लेकिन अभी तक उनमें से कोई वादा जो है ना वफा नहीं हुआ। इसके हवाले से आप वहां पे माशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस में भी बैठते हैं, बहुत सारे इजलास भी अटेंड करते हैं, ये सारी चीजें आप इसको किस नजर से देख रही है? डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि आपके लिए जो है सुना है खान साहब की जब से हुकूमत आई है PTI की। सर ये मैं नहीं कह रहा, आवाम कह रही सर। अवाम जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अवाम जिस तरह की हुकूमत आई है दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, जो गरीब अवाम है वो पिसता जा रहा है, उनको जिसे आपने अपने सवाल में खुद ही बजा फरमाया कि उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और ये कहते हैं ये मदीना की रियासत है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, चौथा साल जा रहे इनने अपने कोई वादा इन्हें अभी तक पूरा किया हो, आज तक इन्हें कोई वादा पूरा नहीं किया। आप हमसे हम इजलास में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, आपको खुद पता है हमेशा कॉरम पॉटर होता है इनका, क्योंकि इनके अपने मेंबर्स ही नहीं आते, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके अपने मेंबर्स, हम खाली 4 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, अभी तक इन्हें साबित किसके ऊपर क्या किए? NRO नहीं दूंगा, बस यही एक डिफिक्ट इनके पास 4 साल से यही एक है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपसे NRO मांगा किसने? आपसे NRO मांगे? आप बताएं कि आपने गरीब आवाम के लिए क्या किए? $500 बिलियन लेके आ रहे हैं, कितने लाखों घर बना के दे रहे हैं, सुनामी ट्री लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब बंदे को खाने के लिए पेट में कुछ जाएगा नहीं, आवाम कहाँ जाएगी? इतनी महंगाई हो गई है, हर महीने बाद आप देख रहे हैं पेट्रोल कीमतें महंगी हो रही है। 15 दिन के बाद सर, महीने 15 दिन बाद डीजल पेट्रोल महंगा होता है। जब आपका पेट्रोल या डीजल महंगा होता है ऑटोमेटिकली उसका ट्रिकल डाउन होता है हर चीज के ऊपर। आपकी खाने पीने की चीज महंगी हो जाती है, आपकी जो होता है जो आपके गांव से जब मंडी की चीज जाती है, सब्जियां या फ्रूट फल छल हर चीज महंगी हो जाती है। गरीब आवाम रोटी के लिए तरस रहे, इतनी उन्होंने महंगाई कर जिसकी हद कोई नहीं। आप चले अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हम गरीब तो गरीब, हमें भी महंगाई महसूस होती है। मैं जब यहां से जाता हूँ इस्लामाबाद, बिलफर्ज मेरी गाड़ी का टैंक पहले फुल होता है 5 हजार में, अभी 10 हजार में फुल होता है। तो मतलब इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, इनको ये समझ नहीं है कि इकॉनमी को चलाना किस तरह है। अब ये इनको अभी तक यही पता नहीं है कि इट इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी और इंडस्ट्रियल बेस्ड इकॉनमी। आपकी जो बैकबोन है पाकिस्तान की इकॉनमी, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। जब तक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह स्ट्रांग होगा? सर मैं एक बात वाजह करना चाहता हूँ, आपने एग्रीकल्चर की बात की, वहां से 75% हमारे पाकिस्तान ज़राअत पे डिपेंड करता है, हम रीढ़ की हड्डी भी इसको कहते हैं सर। हमारे पार्लियामेंट हाउस में चाहे सेनेट में हो, चाहे हमारी कौमी असम्बली हो, चाहे हमारी सूबाई असम्बलीज हो, सारे लोग जो जिम्मेदार, बहुत बड़े जिम्मेदार वहां पे बैठे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी डाइस पे खड़े होके आवाज नहीं उठाई, उसकी क्या वजह है सर? हमें आज तक बोलने के दिया गया? आप अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई देखें, हमेशा अभी जो ज्वाइंट सेशन होता है जो भी बिल्स आते हैं सब बल्डोज 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 बल्डोज, सही, हमेशा अपोजिशन कहती है हमें बोलने का मौका दिया जाए, हमें बात करने का मौका दिया जाए, हमें फ्लोर नहीं देते बोलने के लिए। हम जब भी खड़े होते हैं चीखते हैं बोलते हैं, हमें स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं हमें हमारा मौके फिले, अपोजिशन का मौके फिले, हमें मौके नहीं दिया, हमारा मौके सुनने को तैयार ही कोई नहीं होता। जो भी बिल जाते हैं बस बल्डोज, हमें बोलने का बिल्कुल मौका नहीं देते असेंबली के अंदर। सर दो ही चीजें हैं जो कि एक्सपोर्ट होती हैं जिसपे आजकल हम खासतौर पर यह तवज्जो दे रहे हैं, एक हमारी कॉटन, एक हमारी राइस।
ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री हमारी पिछली दफा 50% जो है ना वो बंद हो गई। अब राइस के हवाले से भी यही है कि डॉलर ऊपर जा रहा है लेकिन राइस के जो रेट्स हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, उससे कोई नहीं। एक्सपोर्टर हजरात उनके साथ ज्यादा कर रहे हैं, अगर हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई या एक्सपोर्ट का ऐसे हाल रहा तो हमारी मौशी हालत क्या हाल क्या होगा, ये थोड़ा सा मुझे वजात करते हैं कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। हमारा जरिए मुल्क है और हम हमेशा चीजें जो है ना इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्या सर रीजन है? डॉक्टर साहब आपकी जब आप अपने खुद ही बता दें अपने सवाल में इसका क्या जवाब दो, डॉलर कहाँ चला गया? जब आपका एक्सपोर्ट ही कुछ नहीं हो रहा तो तभी तो आपका करेंसी डीवैल्यू होता जा रहा है, आपका रुपये गिरते ही जा रहे हैं। आप क्या मुझे पता है एक्सपोर्ट कर क्या रहे हैं पाकिस्तान से, खाली इम्पोर्ट ही कर रहे हैं हम लोग। जी जी, आपकी कौन सी चीज जा रही है? हमारा पहला था ये क्या कहते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जाते थे सियालकोट से, हमारे स्पोर्ट्स गुड्स जाते थे। ये तो शुक्र है जो हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो रेमिटेंस भेज रहे हैं तो बस कुछ ना कुछ चल रहा है, बाकी आप हालत खुद देख रहे इकॉनमी की। मुझे बताएं इन्होंने किया क्या है, कॉटन क्यों गिरा है? आप इनसे पूछें, शुगर क्राइसिस आया था बीच में, वो क्यों आया था, उसमें कौन इन्वॉल्व था, आपको पता नहीं है क्या? पाकिस्तान की आवाम को पता नहीं है क्या? सर इसका क्या सोल्यूशन क्या है आपकी नजर में, क्या हल है? ठीक है खान साहब, तो चलो 5 साल पूरे सपोज करें करते हैं या नहीं करते, ये तो मेरे अल्लाह को पता है, मुझे नहीं पता जो हालात चल रहे हैं। अगर खान साहब के पास जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। इस वक्त कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है, जो खान साहब ने कौमी की हालत कर दी है। सही, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। खान साहब बताएं मुझे, आप खाली ये बताएं खान साहब 4 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर जो है, कितनी दफा असेंबली में है? बिकॉज उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, कितनी दफा असेंबली में। उनका शौक था वजीर आजम बनने का, वो बन गए। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ अंसारी साहब थे डेली इजलास में आते थे, सही राइट, सवालों के जवाब देते थे खुद, आपके वजीर आते थे क्वेश्चन पूछते थे, जब पार्लियामेंटेरियंस सवाल पूछते थे जवाब देते थे। खान साहब ने कहा जी मैं हर हफ्ते में आऊंगा हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह, लॉर्ड्स की तरह ये करूंगा, सवाल के जवाब दूंगा, फलाना। आते ही नहीं असेंबली में, इनके वजीरों को शौक ही नहीं असेंबली में आने का, वो मिनिस्टर आते ही नहीं है, वो एक आधा जो वजीर बैठा होता है जिसने सवाल के जवाब देने होते हैं बस वही आते हैं। सर करप्शन का बहुत बड़ा अरूज था जी, खान साहब ने एक वाई वाला जो कंटेनर की सियासत पे किया हुआ था, खासतौर पर जरदारी साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में, सबके दौर में इन्होंने जी करप्शन, जब से 47 से लेके पाकिस्तान बना उससे लेके, और सबसे बड़ी करप्शन तो इन 4 सालों में हो गई है, खासतौर पे कोरोना जैसी मूजी मार से हम लोगों ने करप्शन 400 अरब की करप्शन का है, कुछ हमारी नैब ने इतने पैसे रिकवर किए वो कहां पे गए किसी को आज तक नहीं पता चला। अगर यही चीजें हमारे साथ होती रहेगी तो क्या बनेगा सर, मुल्क का क्या बनेगा सर? डॉक्टर साहब हम तो मुल्क के लिए सोचते हैं, अगर एक आवाम जो है सिर्फ सर मुल्क के लिए सोचती है, गरीब आवाम के लिए सोचती है, आपने देखा आप यहाँ पे माशाल्लाह जरगा लगा के बैठे थे, खिदमत खलक कर रहे हैं, और अदालतों में जाने से पहले ये चीजें जरूरी होती है कि बंदा यहीं पर पैचअप हो जाए, क्योंकि हमारी जुडिशियल का निजाम आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं, लोग आते हैं खिदमत खलक है ना सर, कोशिश होती है जी जी हर एक की मदद की जाए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। सर आपने यहाँ से वोट भी लेने हैं सर, आपने सियासत भी करनी, ये सारी चीजें होती हैं, खिदमत खलक भी होता है सर, ये कोशिश होती है कि उम्मीद होती है कि बंदे जो आए उनके कोशिश होती है कि उनके मसले हल हो, किसी का छोटा मसला होता है, किसी के बड़े मसले होते हैं, किसी के क्या मसले होते हैं, कोशिश होती है। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव 100%, अगर 100 लोग आते हैं दिन में 150 बंदा आता है, मैं ये नहीं कहता कि सबके काम होंगे, 100-150 के होते होंगे, शायद 50 के नहीं भी होते होंगे, लेकिन कोशिश होती है कि उम्मीद होती है कि मैं उनको बताऊंगी भी मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपके काम हो जाए। इस वक्त आप ओपोजिशन में, हुकूमत तो है नहीं, ठीक है ना, मैंने पिछले दिन आपने पता नहीं आर्टिकल भी पढ़ा होगा, मैंने लिखा था कि जो लोग असेंबलियों में सिलेक्ट होकर आते हैं चाहे वो ओपोजिशन में बैठते हैं तो आखिर उनके हल्के की आवाम का कसूर क्या होता है सर? ठीक है, वो यही एक ओपोजिशन में जाके बैठ जाते हैं, हुकूमत में नहीं बैठते सर। देखिए जी मैंने यही अर्ज किया था, आई एम थैंकफुल टू माय लीडरशिप लेवल भुट्टो जरदारी साहब जी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के, मैं दो दफा इलेक्ट हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट पर, और उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मुझे पार्टी का टिकट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कश्मीर आवाम का मैं शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने दोनों मुझे इलेक्ट करके भेजे कौमी असम्बली में। मैंने अपनी पिछले साल की बजट स्पीच में कहा था कि जो अपोजिशन में होते हैं उनका क्या कसूर है कि आप हमें फंड्स क्यों नहीं, डेवलपमेंट के फंड्स क्यों नहीं देते, कि अगर हमें डेवलपमेंट के फंड देंगे क्या हम पाकिस्तान नहीं लगाएंगे क्या, अगर हम अपने हल्के में जाके डेवलपमेंट करेंगे डेवलपमेंट्स के फंड हमें देंगे तो हम पाकिस्तान नहीं लगाएंगे, हम कहीं और मुल्क में तो नहीं लगाएंगे, यही मैंने अपने पिछले साल बजट स्पीच में भी कहा था। चलो अगर किसी पर इतबार नहीं है सर तो चेक एंड बैलेंस रख लें,
ओपोजिशन के लिए, हुकूमत के लिए तो खुली छुट्टी है ना जी, जो भी हुकूमत में आती है उसके लिए तो खुली छुट्टी है। चलो ओपोजिशन में जो फंडिंग होती है उसका चेक एंड बैलेंस रख ले, कोई इतराज नहीं है। अब देखिए चौथा साल जा रहा है हमें ओपोजिशन को जीरो फंड मिले डेवलपमेंट के लिए। हम अपने जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं लोग कहते हैं सर हमें ये रोड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम कहते हैं हमें फंड नहीं मिले ऊपर से, हम क्या करें? हमें जब नहीं दे रहे फेडरल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, बाकी छोटे काम होते हैं या ट्रांसफर है या पोस्टिंग है फेडरल गवर्नमेंट के, वो मतलब वो हमें ऐसा अपोजिशन समझते हैं कि इनका काम करना ही नहीं है, क्यों हम लोग वोट नहीं लेके आए क्या? हम भी पाकिस्तान के आवाम के वोट लेके आए, ये नहीं कि हम आपकी पार्टी से अपोजिशन, लेकिन फिर भी हमारे लोगों के जिन्होंने हमें उन्हें चूज किया, हमें अपना नुमाइंदा बनाया, कम से कम उनके जायज काम करने चाहिए, हम नहीं कहते नाजायज काम ना करें, जायज काम तो करें। सरदार साहब लॉ एंड ऑर्डर जैसी कैफियत यहाँ पे बहुत लाइक खासतौर पर शेख साहब का बड़ी कावश है यहाँ कश्मीर में अमन के लिए, और आप जैसे जो सरदार लोग बैठे हैं उनकी कावश के लिए किस हिसाब से देखा? अब तो पूरे पाकिस्तान में परसों आपने सियालकोट वाला वाक्य देखा, श्रीलंका के मैनेजर को उन्होंने मार दिया गया, एक पता नहीं बीच वाली कौन सी बात थी, अब बात तो निकल आई गुस्ताखे रसूल की है इस तरह की, लेकिन इस तरह तो नहीं करना चाहिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं फरमाया कि इस तरह करे जी, कैसी कफियत हो गई है? उस्मान गुस्तार साहब नहीं संभाल रहे पंजाब को, या इस तरह की जो ये सारा सिलसिले हो रहे हैं इसकी क्या वजूहत है? इसका बेहतर जवाब तो मेरे ख्याल से उस्मान गुस्तार साहब भी दे सकते हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब वो दे सकते हैं कि उनको भी माशाल्लाह उन पे बड़ा कॉन्फिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हैं कि जी वसीम अकरम प्लस है, मैं लेके आऊँ और ये बेहतर है, इससे बेहतर बंदा कोई उन्हें क्या कहते हैं नजर नहीं आया। बाकी लॉ एंड सिचुएशन आपके सामने हर जगह जो है पाकिस्तान की लॉ एंड सिचुएशन है, हमारे पास कश्मीर में माशाल्लाह जब से शेख साहब आए काफी हमारे कंट्रोल हो गए, छोटी मोटी आपको पता है वो तो होती रहती है मोबाइल चोरी या ये किसी की बैंस चोरी, छोटे मोटे होते रहते, बाकी उससे पहले हालात कुछ और थे लेकिन अभी बहुत बेहतर हो गए। दुनिया में हमारा मेज क्या जा रहा है जी, कल का परसों का जो वाक्य सियालकोट वाला हुआ खासतौर, मुझे उसका आइडिया नहीं, मैं मतलब आपने जिक्र किया मुझे उसका, उसके बारे में श्रीलंका का मैनेजर था वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा था तो उसको जो है ना मारा गया और बड़ी बेदर्दी से मारा गया, जिसमें 100 समथिंग लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और मेन जो मरकजी मुलजम है वो भी गिरफ्तार हो गया। अगर हम अकलीतों के साथ ऐसा करेंगे तो वो हमारे जो मुसलमान भाई उधर बैठे हैं तो उनके साथ क्या सलूक करें? देखिए जी मिनोरिटीज को हमेशा आपके जो मिनोरिटीज होती हैं आपके समझे आपके जो मिनोरिटीज को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो आपके अम्ब्रेला के नीचे बैठी होती है, और हमारे इधर हमारे पास मिनोरिटीज हैं हम भी उनको अपने अम्ब्रेला के नीचे, वो ये समझते हैं कि जी हम इनकी साय में बैठे हैं, हर कोई इंसान है और हमेशा हर एक को इंसानियत के अंदर देखना चाहिए। और अगर ये जैसे आप बता रहे हैं मुझे इसका आइडिया नहीं, ये वाक्य जो है मुझे इसका इलम नहीं है मेरे, इसमें मैंने उसके थ्रू मैं गया नहीं, बहुत मैंने गौर नहीं किया, अगर इस तरह हुआ तो मतलब सही नहीं हुआ, जो भी हुआ मतलब इंसानियत होती है और मतलब कि बंदा हर एक अल्लाह की पैदावार है, हर एक अल्लाह ने पैदा किया, तो इस तरह के वाक्य नहीं होने चाहिए। सर छोटी सी उम्र है आपकी, इतनी कोई उम्र नहीं है सियासत में, आप एकदम आ गए, कैसा महसूस करते हैं सियासत में आना? एक सरदारी निजाम और होता है और सियासत में आना जरा थोड़ा सा इट्स अ वेरी यू नो थैंकफुल टू गॉड, मैं अपना रब का अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ, इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब, मतलब ये इतना आसान नहीं होता पॉलिटिक्स में लोगों को, मतलब हर चीज़ आप कोशिश करते हैं और हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि अपने हल्के के आवाम के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम करूं और मुझसे जितना भी कोशिश होती है कि उनकी मदद करूं, उनकी हेल्प करूं। लोग कई मसले होते हैं हमारे इधर इलाके में, कोई वही बात है कोई कहता है जी मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है, मेरी अप्रोच नहीं है उसको फ़ोन करते हैं, कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए उसके लिए अप्रोच करते हैं, तो इस जो भी होता है हमारे कोशिश होती है कि आवाम की मदद करें। लाहौर में सरकार इलेक्शन हो रहा है, बड़ा दंगल है सर, ठीक है ना, तरीके इंसाफ नहीं है बीच में, बस पार्टी और नूनी का आपस में, और हमारे मर्द आसफ अली जरदारी साहब वहाँ पे पिछले कई दिनों से बिलावल हाउस पे बैठे हुए हैं, किस नजर से देख रहे हैं उस इलेक्शन? एक जरदारी साहब पे भारी। लास्ट पे सर क्या आइंदा आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो साहब जो है नेक्स्ट वजीर आजम? हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह क्यों नहीं, पार्टी हो हुकूमत पार्टी हो इसी, और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब को
वज़ीर-ए-आज़म बनता हम देख रहे हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के अवाम का रुख तब्दील हो रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू हो रहा है और अवाम चाह रही है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आनी चाहिए, क्योंकि हमारी पॉलिसीज हैं जो हमारी पॉलिसीज हैं रोटी कपड़ा मकान हमारे हुई अभी भी हुई है। हमने तो रोटी कपड़ा मकान हमेशा लोगों को दिया है, जब से खान साहब ने तो रोटी कपड़ा मकान छीना लोगों से, तो हमारी यही पॉलिसीज हैं और हम कोशिश करते हैं, हमने हमेशा पाकिस्तान की जो है रीढ़ की हड्डी जैसे कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने उसको हमेशा पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत रही है उसको स्ट्रॉन्ग किया और लोग बेरोजगार लोगों को हमने नौकरियां दी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अगली हुकूमत होगी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही बनेगी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। पीपल्स पार्टी का यहाँ मुसलसल तीसरा टर्नओवर चल रहा है सिंध में, खासतौर पर थोड़ा सा इसमें एक नजर डाल दें, खासतौर पर एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, रोड्स की मेंटेनेंस के हवाले से, क्योंकि बेसिकली चीजें यही होती हैं ना कि हम जो टैक्स पे करते हैं हमारी आवाम जो हुकूमत पाकिस्तान को हुकूमत सिंध को, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सर सूबे आजाद हो गए तो इंडिपेंडेंट है। मैं इसके बारे में ही अर्ज करूंगा, इसको मैं रेट नहीं करूंगा, इसको पाकिस्तान की आवाम रेट पे, हु इज परफॉर्मिंग वेल, आप खुद अगर देखें डिफरेंट आपके वो आते हैं एनालिसिस आते हैं टीवी पे और उस पे के हु इज द बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर, हमेशा सईद मुरादी शाह का नाम ऊपर होता है, ही इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर हु इज परफॉर्मिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान, कोई लोग नहीं सर, आवाम खुद एनालिसिस खुद कर रही है, खुद ही वो जो आपके होते हैं वो क्या कहते हैं उसको एनालिस्ट को खुद ही कहते हैं कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मिंग, आई थिंक ही इज द बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर राइट नाउ इन पाकिस्तान, सबसे बेस्ट परफॉर्म वही कर रहे सईद मुरादी शाह साहब करें सिंध के, इस पे मैं और क्या बोलूंगा। बिल्कुल कोई शक नहीं, बहुत सारा काम हुआ है लेकिन अभी काम होने के बाकी, क्योंकि 100% काम कोई भी नहीं कर सकता सर, ठीक है कुछ 50% कुछ 70%, लेकिन काम अगर होना शुरू हो जाए, खासतौर पर हेल्थ के बारे में खासतौर पर हमारी अदी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको भी मैं देख रहा हूं। मैं आपको देखें डॉक्टर अजरा साहिबा जो कोविड आया था वो दिन रात उन्होंने किया जी, हालांकि खुद जाती थी हर जगह और इनिशिएट करती थी, सबसे बड़ा हमने पहले वो कराची में आपको पता होगा हमने खोला था कोविड वैक्सीन का, हमने मुहिम चलाई थी कि भाई अपने आप को आप ये जैब्स लगवाएं, वैक्सीनेट कराएं अपने आपको, सबसे पहले सबसे बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लिया था, उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट में हमें बहुत सा काम किया है लेकिन मजीद काम करने की जरूरत है। एजुकेशन में भी हमारे हैं अपना मिनिस्टर साहब सरदार शाह साहब, पहले सैदनी साहब थे उन्हें भी काम किया, तो अभी अपना सरदार शाह साहब हैं वो भी बहुत एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, और अभी हमारी टीचर्स के जो आपको मैं बता दूं कि अभी हमारे हुए थे टीचर्स की भर्तियों के होते 100% मेरिट चला, किसी की सिफारिश नहीं है इसमें, हमने किसी की मतलब उन्हें किसी की सिफारिश नहीं, क्योंकि ये मेरिट है ओपन है, जो जाके अपना टेस्ट पास करे बिस्मिल्लाह नौकरी देते हैं। सरदार साहब नासर हुसैन शाह साहब इस वक्त बहुत एक्टिव है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी जब से इन हुए हैं वजीर बल्दियात हैं सारा के लोगों के बहुत कम साई, उनका गेट है अली हाउस जो है वो हर वक्त 24 आवर आवाम के लिए खुला है, और ऐसे ही सब अब जितने भी हजरात है सबको करना चाहिए ताकि गरीब आवाम की खिदमत होनी चाहिए, मकसद आवाम जो आपको सिलेक्ट करके असम्बलियों में भेज दिया मकसद यही होता है कि गरीब आवाम की खिदमत करें, सिलेक्ट करके नहीं इलेक्ट सर सर सिलेक्ट सिलेक्ट कोई और हो गया है अब तो कलाई मखलूक कर दी सिलेक्ट हो गया है। बिल्कुल शाह साहब बड़े काबिल एहतराम है एंड वेरी हम्बल और वेरी डाउन टू अर्थ बंदे हैं शाह साहब, हमेशा जब भी उनसे आप कॉल करें या मिलें बड़े धीमे मिजाज के बंदे हैं, और उनकी हमेशा खुश होती है कि जो भी उनको अप्रोच करे, और वो सबसे बड़ी बात होती है कि वो इजी एक्सेस है उनके पास, जैसे आपने खुद फरमाया उनका घर हमेशा खुला होता है, उनका हमेशा इजी एक्सेस है, तो इसी तरह होना चाहिए बंदे को कि अगर आपके पास किसी की इजी एक्सेस हो और वो काम भी करने वालों में से, और वो इज वेरी सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत का शुक्रिया आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया सर। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद सामचे।